नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M13 vs Oppo A76 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M13 में 6.51 इंच जबकि 76 में 6.47 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy M13 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M13 में 3.03 इंच जबकि 76 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy M13 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M13 में 0.37 इंच जबकि 76 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M13 में 207 ग्राम्स जबकि 76 में 189 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M13 में LCD जबकि 76 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M13 में 6.6 इंचेस जबकि 76 में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M13 में 1080x2408 और 76 में 720x1612 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M13 में 82.68% जबकि 76 में 83.48% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M13 में 400 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 76 में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M13 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और 76 की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M13 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 76 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M13 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 76 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M13 में Mali G52 जबकि 76 में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M13 में Samsung Exynos 850 और 76 में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है, जबकि 76 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 76 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy M13 में Android V12 जबकि 76 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy M13 में 6000 mAh जबकि 76 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy M13 में 3 कलर्स जबकि 76 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy M13 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जिसमें की 4 गीगाबाइट रैम 64 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस, 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें 76 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6 गीगाबाइट रैम 128 गीगाबाइट स्टोरेज के साथ 16,490 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो सैमसंग गैलेक्सी M13 में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A76 की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 76 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी M13 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 76 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 10A है, दूसरा Realme 9 Pro 5G है, तीसरा Realme Nazo 55G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A16K है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।